बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबर। मैं हूँ आपके साथ अनीका निसार। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर मनाने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, अल्ताफ हुसैन साहब ने जब से इश्तियाल अंगेज तकरीर की उसके बाद से मुत्तहिदा के लिए मसले मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और अल्ताफ हुसैन साहब के लिए हिमसेल्फ मसले मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। जहाँ अवामी रद्द अमल सामने आया, अवाम ने इस चीज़ को रद्द किया जो किनारे उन्होंने लगवाए या जो बातें उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर की, जो इश्तियाल अंगेजी उन्होंने फैलाई, दूसरी तरफ हुकूमत भी किसी तरीके से पीछे नहीं रही। हुकूमत में चौधरी निसार साहब ने तो पहले ही इस हवाले से बात कर दी थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर रेफरेंस भेज दिया गया बरतानी हुकूमत को। लेकिन एट द सेम टाइम याद रहे कि बरतानिया की हुकूमत को इससे पहले भी अल्ताफ हुसैन की इश्तियाल अंगेज तकरीरों के हवाले से बरतानिया को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती रही, हमारी हुकूमत कुछ डिमांड्स भी रखती रही। और स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले से आपको याद भी होगा, इससे पहले भी एक बार कार्रवाई का मुतालबा किया, लेकिन बाकायदा तौर पर रेफरेंस भेजा। और इस बाकायदा रेफरेंस का रिजल्ट क्या होगा? आखिरकार अल्ताफ हुसैन साहब की ये इश्तियाल अंगेज तकरीर बंद हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इस हवाले से सबसे पहला टॉपिक इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं रसूल बख्श रईस साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनके साथ तशरीफ फरमा है तनवीर शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ होते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। रसूल बख्श रईस साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब की तो एक आदत बन चुकी है और ये कुछ तारीख एक दफा फिर दोहराई जा रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा 90 की दहाई, 80 की दहाई के अंदर ये पहले हो चुका है, तो क्यों किसी को बार बार मौका दिया जाता है कि वो इस तरह की तकरीर करे? उनको मौका तो मेरे ख्याल में हमने नहीं दिया, लेकिन हमारे कवानीन गालिबन इतना कमजोर हैं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में रहते हुए भी और पाकिस्तान का शहरी समझते हुए भी और अपने आप को तारुफ कराते हुए भी अगर आप मुल्क के और रियासत और कौम के खिलाफ बात करते हैं, इस हद तक तो आज़ादी है कि आपकी तकरीर व तहरीर के लिहाज से तो आपकी आज़ादी है, लेकिन अगर अब इस ऐसी बातें करते हैं तो कौम से मोहब्बत और कौम से जो जज्बा है, या आप ये समझते हैं कि लोग आपकी कदर करेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे, तो वो उसमें इख्तलाफ और इक्तज़ाद पाया जाता है। किसी ने मौका नहीं दिया, लेकिन माजी में भी वो इस किस्म की बातें पाकिस्तान के खिलाफ कहते रहे हैं। और ये एक मैं समझता हूँ कि एक अजीब सी बात है कि एक मुल्क आपको सब कुछ दे और उसके खिलाफ आप बात करना शुरू कर दें, तो उन्होंने कोई मौका जाने नहीं दिया। और ये खसूसी तौर पर उन्होंने एक जो नस्ली सियासत है, ज़बान की सियासत है और इलाके की सियासत है कराची के हवाले से, वो करते रहे हैं। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की कोशिश की है जिनको कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। कि अगर आज भी अगर आप जो मुत्तहिदा की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी रहेगी। और उस अल्ताफ हुसैन को जो उन्होंने तकरीर की है या पहले करते रहे हैं, उससे हुआ ये है कि उनको ख़ुद ही नुकसान हुआ है कि कराची में आज उनका कोई पोस्टर नहीं है, कराची में आज उनके लिए कोई हिमायत में कोई जुलूस नहीं निकालेगा। और ये आहिस्ता आहिस्ता से जो उनका एक तासुर था कि वो बहुत बड़े रहनुमा हैं कराची के और पाकिस्तान के, वो ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने अपने आप को एक सियासी मौत का शिकार कर दिया है, तो इससे बड़ी सज़ा और कोई नहीं हो सकती। सही, लेकिन -1 का फॉर्मूला इससे पहले भी किया गया। ये भी सोचा जाता रहा कि अल्ताफ हुसैन साहब को इससे पहले भी बहुत सारी दफ़ा साइड पे करने की कोशिश, इवन वो खुद भी अनाउंस करते रहे कि जी मैं साइड पे हो रहा हूँ, अब ये क़यादत या राबता कमेटी देखेगी तमाम चीज़ें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फारूक सत्तार साहब के सामने गढ़ा पीछे खाई वाला हिसाब तो नहीं है? देखिए, एक तो जो डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब ने बात की, मैं 100% एग्री करता हूँ, ये एक दुरुस्त बात है। और पाकिस्तान का हम खाते हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम उससे प्यार करते हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते पाकिस्तान के वकार के मुनाफी जो गुफ्तगू हुई, और जिसने जुर्म किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल एक प्रिंसिपल स्टैंड है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हम एक सियासी जमात ख़त्म करने जा रहे हैं या मुजरम को सज़ा देने जा रहे हैं? क्या हम मुखालफिन को फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं MKM के इस कायद के बयान की आड़ में, या हम करना चाह रहे हैं? देखिए, कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने कल अपना इजलास किया और वहाँ पर करारदाद आरिफ अलवी साहब ने पेश की, कहा कि कायदे जो अल्ताफ हुसैन है इसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाया जाए। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर करारदाद एक जमा करा दी है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या असफंद यार ने पाकिस्तान के खिलाफ इदारों के खिलाफ बयान नहीं दिए? क्या आसिफ अली जरदारी का बयान हम भूल गए हैं? क्या मुनव्वर हसन ने जो शहादतों के हवाले से जनाजे की बात की थी वो कोई कम इंटेंसिटी थी? क्या ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है? क्या महमूद अचकज़ई, एक लंबी लिस्ट है पाकिस्तान में जो,
कितनी सियासी जमातों के दफ्तर आपने इस तरह गिराए हैं? सही। कितने सियासी लीडर हैं जिनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां की हैं जो आप अल्ताफ हुसैन के खिलाफ करना चाहते हैं? देखिए, गद्दारी का मुकदमा जो है ये कोई मजाक तो नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं आपको इंडिया की मिसाल देता हूँ। इंडिया के अंदर अगर आप फेसबुक पे एक पोस्ट लाइक करें गद्दारी का मुकदमा बन जाए, युगा ग्रुप के ऊपर तनकीद करें गद्दारी का मुकदमा, मुखालफ क्रिकेट टीम की हमायत कर दें गद्दारी का मुकदमा, कार्टून बना दें, यूनिवर्सिटी इम्तिहान में इश्तहार लेंगे, सवाल दे दें, सैनबाद में ना करें, लेकिन 9000 लोगों पे इसलिए मुकदमा कर दिया कि वो कह रहे थे कि तमिलनाडु में आप ये एटमी रिएक्टर ना बनाएं। देखिए, ये देखें कि सिविलियन हुकूमत गद्दारी के मुकदमे क्या सोच रही है। अश्तर और साफ का बयान देखें, क्या पाकिस्तान के कानून में गद्दारी का मुकदमा ऐसे सर्टिफिकेट बांटेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। जमात को क्या खत्म करने जा रहे हैं? क्या जमात का कोई कसूर नहीं है? रसूल बख्श शहीद साहब, वो जो नारे लगे उसके आगे से जवाब आए वो किसने दिए? सेकंडली, एक लीडर है जिनकी अभी टेलीफोन जो है वो भी सामने आ गई, कॉल सामने आ गई अल्ताफ हुसैन साहब के सामने, क्या अल्ताफ हुसैन साहब मुल्क के वकार को तो बेच खाएंगे लेकिन अपने वकार की बात करेंगे तो फिर वो ये नहीं चाहेंगे कि उनके खिलाफ कोई बात की जाए और वो लीडरों को घुटनों के ऊपर ले आते हैं? ये कोई तरीका है जमात चलाने का? देखिए, जो लिसानी जमातें होती हैं उनमें इस किस्म का आंसर पाया जाता है, उसकी एक तारीफ भी है जो मैं मुनासिब नहीं समझता। और जिस अंदाज से लिसानी बुनियादों पर, कौमियत की बुनियाद पर बनाई हुई जमातें हैं या किसी नज़रिए की बुनियाद पर बनाई जाती हैं जमातें, उनको कंट्रोल करने का एक अजीब तरीका होता है, वो जमहूरी तरीका नहीं होता। सही। उसमें तशद्दुद भी होता है, उसमें डर और खौफ भी फैलाया जाता है, उस तरह से वो करते रहे हैं। लेकिन ये कि क्या वो उसी किस्म की सियासत जो पाकिस्तान में माजी में करते रहे हैं कि इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, आज ये कमेटी है कल नहीं है, ऐसी वो कर सकेंगे मुस्तकबिल में? मैं इसको ज़रूर समझता हूँ, गैर नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन तमाम सियासी जमात को मैं नहीं समझता कि मुर्द इल्ज़ाम ठहराना चाहिए या वो लोग जो मुत्तहिदा की हिमायत करते हैं उनको गद्दार समझना चाहिए। और गद्दारी के हवाले से मैं ये ज़रूर बात कहूँगा कि बातें लोग करते हैं, लेकिन देखना यह है कि कौन सा कानून है जिसके कि जिसकी के खिलाफ वर्जी होती है। और गद्दारी का मुकदमा या गद्दारी की बात को साबित करने के लिए बहुत से सबूत चाहिए, शवाहद चाहिए, कानून चाहिए, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर अल्ताफ हुसैन साहब या कोई और रहनुमा इस किस्म की बातें करते हैं और सियासी तौर पर अपनी गाड़ी भी चलाते रहते हैं, सियासत भी करते रहते हैं, तो इसका ताल्लुक कौम से है, मुआशरे से है, शहरियों से है कि वो लोगों को परखने की क्या सलाहियत रखते हैं और किस किस्म के लोगों की इस मुल्क में पजीराई होती है। तो हमें वो जज्बा खुद पैदा करना चाहिए ताकि अगर कोई ऐसा शख्स बात करता है तो बिल्कुल खुद ही कार्नर हो जाए और बिल्कुल अलहदा हो जाए। और वो अल्ताफ हुसैन ने, यह भी एक मुआशरे की मैं समझता हूँ, कराची हो, मुत्तहिदा के दूसरे लोग हों या पाकिस्तान का मुआशरा हो या मीडिया हो, उसने कहा दिखाया है कि ये तुम्हारा चेहरा है अल्ताफ हुसैन साहब, आप जो बात करते रहे हैं और आपको पाकिस्तान में कोई मोहब्बत और शफकत से नहीं देखता बल्कि उनके दिलों में एक आपने खराश डाल दी है, एक ज़ख्म लगा दिया है और ये ज़ख्म हमेशा हमारे दिलों में रहेगा कि हम तो उनकी इज्जत और मंजिलत में कोई कसर नहीं छोड़ी, किसी ने, लोगों ने कुर्बानियाँ भी उनके लिए दी हैं, लेकिन फिर आप अपने हमारे मुल्क के पास, ये तो हमारा मुल्क है, आप जहाँ भी रहें तो हम तो इससे मोहब्बत करते हैं, तो वो जो एक उसकी एक सियासी कीमत है जो फिर उनके कुछ जो करीबी साथी हैं उनको भी चुकानी होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस पे गद्दारी का मुकदमा बनता है। एट द सेम टाइम बाबर गौरी साहब की एक कॉल जिसके बारे में बात कर रही थी सोशल मीडिया के ऊपर आजकल बड़ी आई हुई है, किसी लीडर को ये कह देना कि तुम्हारी कोई औकात है कि मेरे खिलाफ बात करो या मेरे नारे के खिलाफ कोई नारा लगाओ या उसके काउंटर में कोई नारा लगाओ, अगर सियासी जमातें इस तरह से चलती हैं तो हमारी सियासी जमातें क्या जमहूरी जमातें हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर मैं एमक्यूएम के गुनाहों को सपोर्ट नहीं करता, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, जो 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 क्रिमिनल जो लीगल एक्शन है वो तो होना चाहिए, लेकिन जो सियासी आज़ादियां जो आईन ने दी हैं
उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। देखिए 25 लाख लोग जब एक जमात को वोट देते हैं, कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की, कराची की बेशतर सीटों पे वो लोग जीते हैं, लोगों ने इनको मेयर बनाया है वहाँ पे, बावजूद इन इल्ज़ाम के, बावजूद इस कराची ऑपरेशन के, तो कोई ना कोई बात तो होगी उनके अंदर। मैं ये कहता हूँ कि जो तकरीर सुनने पर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये एक सवाल है जो कानून के माहरीन से पूछना चाहिए। जो खवातीन गिरफ्तार की गई हैं टीवी चैनल पे हमले पे, क्या ये वो खवातीन हैं जिन्होंने टीवी चैनल पे अटैक किया था? देखिए मैं तो इस आर्गुमेंट को भी, लोग कहते हैं कि MI6 असासा करार देती है MKM को, तो क्या कार्रवाई इंग्लैंड में होगी? मैं मुझे देखें कि पाकिस्तान में क्या कार्रवाई होगी, क्या हम कानून के मुताबिक प्रोसीड करें MKM के मामले में? देखिए ये पाकिस्तान मेरे ईमान का हिस्सा है, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हूँ। ये क्या बात है, मुझे रेंजर में मैं वक्त गुजार के आऊँ, वापस आके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊँ और PSP में जो है शमूलियत अख्तियार कर लूँ और मेरे गुनाह भी धुल जाए सारे जो मैं माजी में क्राइम करता था। तो कह दिया था ना कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे पहले ही वो बात थी जो कि रेंजर से आने के बाद उन्होंने कही, और उससे पहले ही वो इस नारे को रद्द करने वाले थे जो कि उन्होंने बाद में भी किया। लेकिन एट द सेम टाइम जो कार्रवाई हो रही है, अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से रेफरेंस भेजा गया, इसको कितना फॉलो अप किया जाएगा? क्या ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या फिर वाकई में एक ऐसे शख्स को कुछ कैफर किरदार तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी जो कि पाकिस्तान के मुखालिफ नारे लगाता है, पाकिस्तान का खाता है, पाकिस्तान में सियासत करता है लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है? लेकिन मैंडेट जहां MQM को मिला वहां मैंडेट PMLN को भी मिला, नवाज शरीफ साहब को भी मिला, लेकिन PTI ना तो इस मैंडेट को मानती थी, यानी उन्होंने कहा कि धांधली हुई। उसके अलावा असासों के हवाले से पैनामा लीक्स के बारे में जब बात आई तो फिर बहुत ज्यादा यानी मल्टीफेरियस किस्म के उन्होंने जो एक्शंस लेना स्टार्ट किया, और एक एक्शन ये था कि सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए पिटीशन। अब इस पिटीशन को रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से रद्द कर दिया गया है और अपील में जाने वाली है PTI। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, PTI के सीनियर रहनुमा। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें शो में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि PTI ने जहां तक सड़कों पे आने की बात है, उस तरह से रिएक्शन या उस तरह से रश जो पहले हुआ करता था वो नहीं देखा, उसके बाद फिर रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से इस पिटीशन को कह दिया जाना कि ये काबिल समाअत नहीं, आपको लगता है ये PTI के लिए धचका है या ये एक मौका है? देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस किस्म के टेक्निकल एतराज़ात किए जाते हैं, ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ और ये कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है। हम समझते हैं कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और इसमें हम अपील का हक रखते हैं और हमने फैसला किया है कि रजिस्ट्रार के इस एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले के खिलाफ हम इन चैम्बर अपील जिसको कहते हैं वो कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज सुनते हैं अपने चैम्बर में, और हमें उम्मीद है कि वो जुडिशली इसको देखेंगे तो हमारे मौकफ को सराहेंगे। जनाब ये बता दीजिए कुरैश साहब कि क्या मजबूरी थी कि आपने इसके लिए प्रॉपर तरीका अख्तियार नहीं किया, पहले हाई कोर्ट में नहीं गए? देखिए सुप्रीम कोर्ट तो इसलिए होती है कोई बुनियादी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हो या कोई वफादे आमा का अर्जेंट नोयत का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने अपने ऑर्डर में लिखा है ये नाकाबले समात है, ये गैर संजीदा है, और एक अखबार ने तो लिखा है ये लगव है, और इसमें ये वजह भी नहीं बताई गई कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर क्यों नहीं गए और सर्टिफिकेट भी प्रॉपर नहीं लगाए गए। सर ये तो तैयारी के साथ नहीं गए थे? मैं समझता हूँ कि उनकी असेसमेंट दुरुस्त नहीं है, जो उन्होंने ये फरोही किस्म के इतराज़ात लगाए हैं, उन्होंने एक इतराज़ लगाया है कि सर्टिफिकेट जो है वो 36 पर जो है फला तरीके से रूल को फिल नहीं करता, हमारे पास उसका ठोस जवाब मौजूद है। और ये कहना कि हमने मुख्तलिफ अप्रोप्रिएट फोरम्स हैं को इस्तेमाल नहीं किया, ये भी दुरुस्त नहीं है। आपके इल्म में है कि हम पार्लियामेंट में गए, आपके इल्म में है कि हमने स्पीकर के सामने पटिशन डाली, आपके इल्म में है कि हम इलेक्शन कमीशन के सामने गए, हर फोरम पर हम गए और इस मसले की जो अहमियत है उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बहुत संगीन और बहुत अहमियत का ये इशू है, और ये सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं, ये इंटरनेशनल कंसोर्शियम इंकशाफात हैं जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में हुआ है, न सिर्फ पाकिस्तान में। कुरैश साहब एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, दूसरी तरफ 3 सितंबर को एक ताकत का मुजाहरा करने जा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर असरअंदाज होने के मुतरादिफ नहीं होगी ये बात? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
सुप्रीम कोर्ट एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट इदारा है और हमें उसका पूरा पूरा एहतराम है। हम हर दिन उन लोगों में से नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट का एहतराम न करें। आवाम से रब्ता करना और पुरमन तरीके से लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना ये जमहूरी रिवायत है, जमहूरियत में ऐसा होता है और इस पर कोई अनहोनी चीज नहीं है। अच्छा साहब, सिर्फ आखिरी बात मैं एक पूछना चाह रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपकी ये पिटीशन रिजेक्ट कर दी तो आपको और आपकी पार्टी को, आपके कायद को ये फैसला कबूल होगा? देखिए आप, हम अभी प्रिज्यूम कैसे कर सकते हैं, अभी तो उसकी डिस्कशन ही नहीं हुई, उसका आगाज ही नहीं हुआ। तो आप अभी से हमको उम्मीद है कि हमारा जो हमने पिटीशन बनाई है, हमारे पास ठोस शवाहद है, उसकी बुनियाद पर हम समझते हैं कि हमारा बड़ा माकूल केस है। सही, शाह महमूद कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। लेकिन एट द सेम, तो बात तो दुरुस्त है कि अभी हम किस तरीके से प्रिज्यूम कर सकते हैं कि आगे रद्द होगा या नहीं, लेकिन रसूल बख्श रही साहब, क्या इनको ये मालूम नहीं, मंजे हुए सियासत दान शाह महमूद कुरैशी साहब भी, इमरान खान साहब के अदाएं बाएं लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सियासत में बड़े पुराने, क्या उनको ये मालूम नहीं कि हुकूमत के पास भी बहुत सारे टैक्टिक हैं कि 2018 तक ले जाया जाए इस मामले को और उसके बाद तो इलेक्शंस है, आवाम जाने वो जाने। हुकूमत की पॉलिसी तो यही है कि वो 18 में इंतखाबात हों, और मेरा अपना भी ख्याल यही है कि अगर इस वक्त किसी भी तरीके से हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है तो फिर उसका असर अगले इंतखाबात पर पड़ेगा और पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो सकता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इस वक्त बड़े मसाइल हैं उनको आप सामने रखें। करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, सारे मुआशरे में फैला हुआ है, मुकदमात कायम करें, इदारे बनाएं और सबका एहतसाब होना चाहिए, जिस जिस सियासी जमात में मौजूद हैं, जहाँ भी लोग मौजूद हैं। लेकिन अभी कोई ऐसा फैसला मेरे जो इल्म में है नहीं हुआ जिससे कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसी बात कही जाए कि उन्होंने करप्शन की है। ये जो शवाहद पेश कर रहे हैं उनको साबित करने की ज़रूरत है अदालतों में, लेकिन तासुर मुल्क के अंदर ज़रूर मौजूद है और वो ये है कि नवाज शरीफ की साहब की फैमिली ने भी करप्शन की है, बाकी सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उन्होंने खुली छुट्टी ले रखी थी और करते रही हैं, ये तासुर आम है, किसी से भी आप पूछें। लेकिन तासुर की बुनियाद पर, और मैं भी समझता हूँ कि करप्शन हुई है मुल्क के अंदर, ये नहीं है कि नहीं हुई, लेकिन फिर उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए कि अदालतें अगर नहीं हैं, कानून अगर नहीं है, एहतसाब के इदारे कमज़ोर हैं और जो सियासतदान या जो एक हुक्मरान तबका मुल्क के अंदर करप्शन करता है तो वो पहला काम ये करता है कि कानून और इदारों को इतना कमज़ोर कर दे ताकि वो जो करप्शन करता रहे उससे उसकी बात पुरुष ना हो सके। ये मुल्क में होता रहा है तो जरूरत इस बात की है कि कानून बनाए, ठीक है, और कानूनों के मुताबिक सबको उनकी गिरफ्त में ले आए, ठीक है। कोई कमेंट देना चाहेंगे दरमियान साहब? देखिए बात ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये नहीं कहा कि अदालत जो फैसला देगी हम उसको मानेंगे, तस्लीम करेंगे। बात यह कि हुकूमत को भेजने की एक कोशिश है, चूँकि सियासी मैदान में मुकाबला नहीं किया जा सकता इसलिए अदालती महाज के ऊपर जो है ये जंग लड़ी जा रही है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की बात जो डॉक्टर साहब ने की है वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की बात करें तो पाकिस्तान के लिए तो खित्ते की स्टेबिलिटी भी बड़ी अहमियत की हामिल है, और खित्ते की बात करें तो पाकिस्तान इस खित्ते के अमन में कलीदी किरदार अदा कर रहा है, जिस नासूर से अभी हम लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी से हम लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस खित्ते की दहशतगर्दी भी खत्म हो। इस तरह की काविशों को सराहने की बजाय अमेरिका क्या करता है कि एक सैफरीकी कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान का नामो निशानी, और कहता है पाकिस्तान को फिक्र करने की जरूरत नहीं इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर रहा है, इससे उसको इनकरेज होना चाहिए। भारत, अफगानिस्तान, अमरीका मिलेंगे इस खित्ते के लिए, लेकिन तनवीर साहब मुझे बताइएगा पाकिस्तान के बगैर इस खित्ते के अमन की जमानत कैसे मिल सकती है? भारत कहाँ, अफगानिस्तान कहाँ, पाकिस्तान काविशे कर रहा है उसको सराहने की जरूरत नहीं है क्या अमरीका की तरफ से? देखिए बात यह है कि दुनिया के अंदर नई सफबंदी हो रही है, वो दिफाई अंदाज में भी हो रही है, इक्तसादी महाज पे भी हो रही है, दूसरे अमूर के ऊपर सफारती नुक्ता नज़र से भी हो रही है। भारत चाहता है कि वो चाइना को इस खित्ते में कर्टेल, अमेरिका चाहता है कि चाइना का असर सूख जो है इस खित्ते में उसको कर्टेल किया जाए, और उसका भारत के साथ जो है वो तावन बढ़ रहा है, ना सिर्फ डिफेंस सेक्टर में बढ़ रहा है बल्कि तवानाई में, इकोनॉमी में, दूसरे शोबों के अंदर। ये अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा असला जिन मुल्कों को देता है, बरामद करता है, उसमें सबसे बड़ा कस्टमर इंडिया है। देखिए ये जो एग्रीमेंट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर वाशिंगटन गए हैं
और वहाँ पे उनकी जो मुलाकातें हुई और जो एग्रीमेंट सामने आया है, ये एग्रीमेंट कहता है कि अब ये दोनों मुल्क एक दूसरे की फौजी तनसीबात को इस्तेमाल कर सकेंगे, फौजी साजो सामान को इस्तेमाल कर सकेंगे, एक दूसरे के ईंधन तक रसाई हासिल कर सकेंगे, तहम ये एक दूसरे की जगह पे वो लोग जो हैं वो डिप्यूट नहीं कर सकेंगे, फौजी ठिकानों पे बंदे नहीं कर सकेंगे। मेरा ख्याल है कि इंडिया की जो गैर वाबस्ता एक मुल्क के तौर पे एक रिप्यूट थी, इस एग्रीमेंट के बाद वो मुतासर होगी, और खास तौर पे जिस तरीके से अमेरिका की पेनिट्रेशन जा रही है, खुद वहाँ पे बाएं बाजू की तंजीमें इसके ऊपर एहतजाज कर रही हैं। ये तंजीमें एहतजाज तो कर रही हैं, बहुत सारे एहतजाजात भारत में भी हो रहे हैं, न्यूक्लियर दौड़ के अंदर भी आगे जाने की कोशिश की जा रही है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की भी बात की गई, कैरी साहब के जो दौरा था इंडिया के उसके हवाले से, लेकिन एट द सेम टाइम जॉन कर्बी वहां से अमेरिका से बैठ के पाकिस्तान को कहते हैं डू मोर करिए, तो डू मोर कितना करिए उसके बारे में बात करेंगे, रसूल बख्श शेख साहब से भी टॉपिक के हवाले से बात करेंगे, लेकिन आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले अमेरिका, भारत और अफगानिस्तान के हवाले से जो इस खत्ते के अमन के लिए बात होगी उसके बारे में बात करें तो न्यूयॉर्क में मुलाकात होती है रसूल बख्श शेख साहब, उसके अंदर पाकिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान से मुतालबा किया जाता है उधर से डू मोर हकानी नेटवर्क के बारे में बात करें, वहां से पठानकोट आने की बात कर दी जाती है मुंबई अटैक की, तो फिर तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो इंडिया को भी बताने की जरूरत है, वहाँ क्यों नहीं बात की जाती जब इंडिया की तरफ जाती है? इसलिए कि अगर हम इस ताकीद के जवाब में अगर हमारी हुकूमतें माजी में भी और अब भी ये कहेंगे जी आप फिक्र ना करें हम बहुत कुछ कर रहे हैं और आपको करके दिखाएंगे, हमें ये इस किस्म का जो बयानिया है वो दुरुस्त नहीं है, पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, वो ये कहना चाहिए कि जो हमारे मफाद में है हम वही करेंगे और हम वही करते रहेंगे, आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर आप इस किस्म की ताकीद, इस किस्म की नसीहत, वास धमकी अमेज़ किस्म की ज़ुबान आप बर्दाश्त करते रहे तो फिर आप की भरमार होती रहेगी इस किस्म की ज़बान की, और पाकिस्तान में माजी में होती रही है, हमें अपनी सलामती के बारे में ख़ुद फिक्रमंद होना चाहिए, और हम हैं, और ये अजीब बात है कि पाकिस्तान का तबसरा निगार भी और सियासतदान भी और दानश्वर भी वो ये समझते कि अमेरिका अगर ये पाकिस्तान के बारे में कह रहा है तो ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान वो नहीं कर रहा है जो करना चाहिए, कि आप यहाँ के जो इस वक्त के जो मारूजी हालात हैं उसके तनाजुर में देखें, दहशतगर्दी हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, हमें किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, और हमें दुनिया को बताना है और बता भी रहे हैं कि जितना कुर्बानियाँ हमने दी हैं, जितना जंगें हमने लड़ी हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, वो आपने तो नहीं लड़ी, हम तो कामयाब हुए हैं, आपकी कामयाबी कहाँ है अफ़गानिस्तान के अंदर? और इसमें कोई तारीखी तौर पर कोई बंदा या कोई शख्स गलत साबित कर सकता है कि जितना मलबा अफगानिस्तान की जंगों का है, 40 साल से वहाँ पर जंग हो रही है, उसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर गिर रहा है, जिहादी कहाँ जाएंगे जो अमेरिका ने तैयार किए थे, और वो मुल्क जो अफगानिस्तान के अंदर मदाखलत करते रहे हैं उससे हालात ख़राब हो रहे हैं, और एक तरफ से तो हिंदुस्तान को वो इजाज़त दे रहे हैं कि अफगानिस्तान को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम की तहरीकें चलवाए, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान को कहते हैं कि जी आप को तो बहुत कुछ करना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ये समझ लें कि बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में कोई इंसाफ पसंदी होती है, मफादात होते हैं, इंसाफ पसंदी नहीं होती, हमें भी उसी अंदाज में दुनिया को समझना चाहिए, ठीक है, और हम समझते भी हैं ऐसे कि ऐसी भी बात कोई और ये मफादात जो हैं अमेरिका के अभी किधर हैं वो हम तमाम लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ हमें ये कहा जाता है कि अच्छे बुरे दहशतगर्दों में फर्क नहीं करना चाहिए, तो अमरीका ने ये बात उस टाइम पर क्यों नहीं सोची जिस टाइम पर हिलरी भी ये मानती है कि तालिबान को बनाने में अमरीका का हाथ है, उस टाइम पर क्यों नहीं सोचा कि रशिया के खिलाफ आप एक और तंजीम खड़ी कर रहे हैं, तब अच्छे बुरे की तमीज किधर गई थी अमेरिका को, क्या ये उस टाइम पर भूल गया था या सिर्फ दूसरों को याद दिलाने के लिए ये बातें याद आती हैं? लेकिन दूसरों को याद दिलाने की बात करें तो कराची की बात करते हैं, कराची में मेयर मुंतखब हो गए हैं और दूसरों की याद दहानी के लिए एमक्यूएम पहले भी बल्दियाती इंतजाम को संभालती रही है, बल्दियाती उमूर को संभालती रही है कराची में, लेकिन अब जरा चीजें मुख्तलिफ हैं, एमक्यूएम के अंदर तनाव, एमक्यूएम पाकिस्तान और लंदन सेक्रेटेरिएट का होना, क्या मेयर के तमाम काम आसान होंगे या मुश्किल होंगे? तनवीर साहब, कराची के हालात तो हमारे सामने ही हैं और मेयर साहब की जो वसीम अख्तर साहब हैं उनकी मुश्किलात पहले ही बहुत ज्यादा हैं, वो जेल में जेल से चलाएंगे सारी काम, लेकिन ये एमक्यूएम के तनाव की वजह से तो और मुश्किलात खड़ी हो गए, वसीम अख्तर साहब कैसे कोप अप करेंगे और वोरा साहब जो कि उनको नसीहतें करते हुए भी नजर आते हैं, क्या वो सही नसीहत कर सकेंगे? बात यह है कि सबसे पहले तो इस बात की खुशी है कि कराची के लोगों को एक मकामी हुकूमत का निज़ाम मिल रहा है, और एक बंदा जो प्रॉब्लम में है तो लेकर नीचे बहुत सारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन,
एक सियासी जमातें, सूबाई हुकूमतें, ये सारी मौजूद हैं। और देखना ये है कि कराची के लोग जिनको कचरे का सामना है, पानी का सामना है, सीवरेज के मसाइल, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल, वहाँ पर बहुत सी ऐसी दुख देखे हैं कराची के लोगों ने, जिनको अब उम्मीद है कि नया निज़ाम आने से कुछ बेहतरी हो जाएगी। मेरे लिए ये सवाल अहम है कि क्या ये जो मकामी हुकूमत बनी है, लोकल बॉडी सिस्टम आया है, क्या इनको वसाइल सूबाई हुकूमत फराहम करेगी, क्या इनको जो कानून के मुताबिक सियासी, इंतज़ामी और मुआशी इख्तियारात मिलने हैं क्या इनको दिए जाएंगे, या इसमें उसी तरह हेजिटेशन का मुजाहरा किया जाएगा जैसा कि इलेक्शन करवाने में किया जाता रहा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कराची का जो नया मेयर है, इसने आके कहा है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दे। मुझे खुशी है कि उसने कहा है कि हम पीपल्स पार्टी को, इमरान खान को साथ लेके लोगों की खिदमत करने की बात की है। सही। उसने मज़ार कायद पे जाने की ख्वाहिश की थी, वो बहरहाल पूरी नहीं हो सकी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर मिलजुल के आगे जाने की पॉलिसी बनाई जाए, सियासी जमातें अपने आप को क्रिमिनल से पाक करें और वो लोग जो सियासी अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं उनमें रुकावटें ना खड़ी की जाएँ, उनको जमहूरी अमल का हिस्सा बनाया जाए और मौका दिया जाए कि वो परफॉर्म कर सके, उनको एंगेज किया जाए, तो कराची के हालात बदल सकते हैं। आपने मजारे कायद जाने की बात की, वो तो तब जाएं जब के कारकर्दगी करने के बाद जब जाने वाले हो तो कायदे आजम को जाके बताएं कि जी हम लोगों ने काम कर लिया है और कराची को हमने बेहतर किया। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एमक्यूएम में कोई ज्यादा तनाव बढ़ता है, एमक्यूएम के लिए मुश्किल खड़ी होती है, तो वसीम अख्तर साहब कहाँ तक काम कर सकेंगे जब जमात की बैकिंग ना हो पीछे, तो एक मेयर क्या काम कर पाएगा? मेरा नहीं ख्याल है कि मुतहिदा में कोई तनाव पैदा होगा। सही। तनाव इस सूरत में पैदा होगा कि अगर मुतहिदा के जो इस वक्त कराची और पाकिस्तान में रहनुमा हैं वो अपने आप को लंदन के दफ्तर से और बानी से, जिसको कायद कहते हैं, उससे अगर वो अलहदगी अख्तियार करेंगे तो फिर उनके लिए मसाइल बढ़ेंगे। क्योंकि पार्टी के दो धड़े हैं, एक तो वो है जो सियासी रहनुमा है, एक वो है जो के जो सियासी तशद्दुद करते हैं और जिनका ताल्लुक कहीं और है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तो वो उनको वहाँ पे तनाव पैदा होगा। अब ये कहते हैं ज़बानी तौर पर, जो हमें मान लेना चाहिए कि सितार साहब भी यही कहते हैं और वसीम साहब भी, सारे लोग इस वक्त जो रहनुमा है वो ये कहते हैं कि लंदन से हमारा रबता नहीं, लंदन से हमारा ताल्लुक नहीं। लेकिन तारीखी तनाजुर में और जिस अंदाज में मुतहदा चलती रही है उसको देखा जाए तो ऐसा हो नहीं सकता, ये गैर फितरी सी बात है। और फिर ज़बान कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि मशावरत पे होगी लेकिन फैसले यहाँ पे होगी। सही। तो मशावरत का मतलब क्या है कि अगर मशावरत होती है तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त मुतहदा में, पाकिस्तान में वो ऐसा रहनुमा इस वक्त मौजूद है कि अल्ताफ हुसैन की राय, मशावरत, मर्जी के खिलाफ काम कर सके। तनाव वहाँ पर पैदा होगा और ये एक तारीखी धारे के ऊपर मुतहदा खड़ी है। तारीखी धारा ये है कि क्या आपने वो पुरानी पॉलिसी रखनी है और अपनी सियासत करनी है, या ये है कि आपने अपने आप को सही मानों में जमहूरी जमात बनाना है। उसके लिए ज़रूरी है, जो कोई सियासी जमात जमहूरी नहीं हो सकती, बेशक उसकी हिमायत मौजूद हो आवाम के अंदर, जब तक कि अपने आप को दहशतगर्दों से, टारगेट किलर से, एक्सट्रॉशनिस्ट से अपने आप को पाक ना करे। ये सिर्फ मुतहिदा नहीं है, मैं इसे एक जमात की बात नहीं करता, कुछ और जमातों में भी इस किस्म के लोग मौजूद हैं। कराची में तो बड़ा आम है। कराची में आम है, ये अर्बन पॉलिटिक्स जो सारी दुनिया में हो रही है, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, कराची हो या लेटिन अमेरिकन के कोई शहर हों, साउथ एशिया के बाकी शहर हों, वहाँ पर माफिया बन जाते हैं जो लिबादा पहन लेते हैं किसी सियासी जमात का, या सियासी जमात में घुस सकते हैं। उसको पाक करने की ज़रूरत है और उसके बाद देखेंगे कि क्या कराची के हालात बदलते हैं या नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी देखनी होगी कि कराची के ऑपरेशन पे नए मेयर के आने के बाद क्या असरात होते हैं। देखिए, कराची बदल चुका है, कराची के जो हालात बदल गए हैं, मुतहदा को ताकतवर लोगों की सपोर्ट भी असर नहीं है, सरकारी असर सूख उनके पास नहीं है, उनके बैनर उस तरह से, वो जब माजी वाली सूरत हाल, अस्करी विंग उनका मुंतशर है। ऐसे हालात में अगर मुतहदा एक मौका मांगती है कि वो आवाम की खिदमत
एक सियासी धारे में आगे करना चाहती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि उनको ये मौका दिया जाना चाहिए। और ये जो उन्होंने बात की है कि दूसरी जमातें हमारे साथ मिलें, इमरान खान को कहा है, बिलावल भुट्टो को कहा है, तो मेरा ख्याल है इसी तरह ही रेसिप्रोकेट। ठीक है, सही है, ये रेसिप्रोकेट करने की बात तो ठीक, लेकिन जहां तक इल्जाम की बात है वहां एमकेएम पे भी बड़े इल्जाम है, वसीम अख्तर साहब पे खुद बड़े इल्जाम है 12 मई के तमाम वाकयात से अपने हाथ कैसे धोएंगे, किस तरीके से वो इल्जामात रद्द करेंगे और जेल से कराची को कैसे चलाएंगे, और जेल से चलाएंगे तो क्या जेल के कानून के तौर पे चलाएंगे। एक बदला ग्रुप भी सामने आ गया है, फारूक सत्तार साहब के घर के बाहर वॉल चौकिंग करने लग गया, अल्ताफ हुसैन का वो हामी है, तो किस तरीके से एमक्यूएम और वसीम अख्तर साहब चलाएंगे जबकि वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वाली एमक्यूएम के साथ हैं। ये तो तमाम चीजें हमारे सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो तमाम स्पोर्ट्स टीम्स जो कि पाकिस्तान से बाहर जाती हैं उनको भी लगाना होता है। वो नारा इस तरह से लगा सकते हैं कि वो जीत कर दिखाएं, लेकिन पीसीबी की कारकर्दगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी ये ना कर पाई, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बाहर ना लगा सकी, बड़े बुरे तरीके से शिकस्त हासिल की। और शिकस्त हासिल करने के बाद अब तो नेशनल असेंबली के अंदर और बाकी असेंबलीज के अंदर भी ये सवाल उठने लग गए हैं कि जी आखिर होने क्या जा रहा है। तनवीर साहब मुझे बता दीजिएगा, पीसीबी की कारकर्दगी पहले कौन सी अच्छी रही, पहले हम लोगों ने जिस तरह शहरयार साहब कहते हैं हमसे उम्मीद ना रखिएगा, तो वाकई में उम्मीद ना रखे तो फिर क्यों भेजते हैं। देखिए, दो वाकयात कल रुनुमा हुए। पहला वाक्य ये हुआ कि बैनो सूबाई राबतों की जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, उसका एक इजलास हुआ और उसके अंदर पीसीबी के लोगों को बुलाया हुआ था। तीन चार बातें कही गई। पहली बात उन्हें कही गई कि जनाब ये बताएं कि अगर टीम ने सिफर के ऊपर आउट होना है तो रियाज पीरजादा जो वफाकी वजीर, वो कहने लगे कि आप मुझे टीम में मौका दें, मैं खेलना चाहता हूँ। फिर उनसे कहा गया कि ये जो पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं ये इतने ज़्यादा गैर मुल्की दौरे क्यों करते हैं, क्या जस्टिफिकेशन है। फिर उन्हें पूछा गया कि ये पीसीबी जो है इसमें जो सबसे अहम दो लोग हैं, मार्केटिंग का जो डायरेक्टर है और जो जीएम है इंटरनेशनल क्रिकेट का, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में आप क्यों नहीं बता रहे कि इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्रियाँ भी इनके पास नहीं हैं, इन्होंने गलत बयानी से काम किया है और ये पता नहीं बहुत थोड़ी गैर तालीम याफ्ता या कम तालीम याफ्ता लोग जो हैं ये अहम ओहदों पे क्यों हैं और इनको क्यों माफ किया जा रहा है। तनवीर साहब, हमारे पार्लियामेंटेरियन के ऊपर भी तो बीए की डिग्री का वो लगा था, एक शर्त लगी थी वो भी खत्म कर दी गई। उन्होंने कहा जी कि हमने शहरयार साहब को बुलाया ये क्यों नहीं आए। नजम सेठी साहब कहा, उनका जी ये तो आईसीसी की मीटिंग में गए हुए हैं, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि ये कितने दौरे करते हैं, हमें बताएं आईसीसी मीटिंग में इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या ये अपने फैमिली मेंबर्स को वहां लेके गए हैं। ये बड़े बुनियादी नोयत के सवालात हैं जो पीसीबी की क्रेडिबिलिटी को मुतासर कर सकते हैं। हर बार हम उठाते हैं जबकि हम हार के आते हैं, लेकिन जब भी हम जीत कर आते हैं तो हम ये तमाम चीजें भूल जाते हैं। रसूल बख्श साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेटर हैं, जाने मानी शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़हीर अब्बास साहब, ये सवालात उठते हैं पीसीबी की कारकर्दगी पे उठते हैं, लेकिन हर बार तभी उठते हैं जब हम हार जाते हैं, जब वो पुशअप की जा रही होती है या जब वो दिखाया जा रहा होता है कि हम जीत गए हैं, उस टाइम पे कोई सवाल नहीं उठाता कि आने वाले वक्तों में कैसे जीतना। हाँ जी, ये तो हमारा एक उसूल और तरीका ही है कि जब हम जीतते हैं या जब हम अच्छा करते हैं, लाजमी बात है पूरी कौम खुश होती है, हम जीत देखना नहीं चाहते हैं। दरअसल ये हार और जीत दोनों होती है साथ साथ, लेकिन हारने का भी एक तरीका है। अगर आप फाइट करके हारते हैं तो आपको लोग बुरा नहीं कहते हैं, और जब आप आराम से हार जाते हैं और वन साइडेड मैच हो जाता है तो हम सबको बहुत अफसोस होता है। लिहाजा कल की जो परफॉर्मेंस है वो कोई इतनी ऐसी नहीं रही जिसपे कि हम खुशी मना सके, लिहाजा सारी कौम ही आज अफसोस कर रही है। सर, बात यह है कि ऐसा क्या हुआ कि टेस्ट मैच के अंदर तो हम टेस्ट मैचेस में हमारी कारकर्दगी कुछ कदरे इससे मुख्तलिफ रही, लेकिन वनडे मैचों के अंदर हम ना सिर्फ ये मैच हारे बल्कि पूरी सीरीज हार गए। 445 का रन का जो हदफ दिया गया, 275 पे हम ढेर हो गए, वहाब रियाज ने जो रिकॉर्ड बनाया सबसे ज़्यादा रन देने का। अब मुझे तो कल यूं लगा कि हमारी बॉलिंग भी हार गई, हमारी बैटिंग भी हार गई, हमारा पीसीबी भी हार गया, हमारी बूट ट्रेनिंग भी हार गई। ये कोई रिकवरी का कोई सूरत देखते हैं ज़हीर भाई, आप कैसे हल होगा ये? बूट ट्रेनिंग का ताल्लुक कोई क्रिकेट से नहीं होता है, वो तो अगर आपको ट्रेन करते हैं, देखिए एक दो दिन में कोई ट्रेन नहीं हो सकता, इसको देर लगती है। हमारा कोच भी नया आया है, सारी चीजें देखनी होती हैं कि, लेकिन ये जरूर फरमाया आपने सही कि ना हमारी बैटिंग चली है ना हमारी बॉलिंग चली है,
ना फील्डिंग के लिए। देखिए अगर आप ये तीनों चीजें नहीं खेलेंगी तो लाजिम बात है हम जीरो हो जाते हैं और दूसरी टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। कल 400 से ज्यादा स्कोर हो गया, मैं तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था। और जिस तरह से हमने बॉलिंग की है, हम सीखते नहीं हैं, मार खा के नहीं सीखते हैं, तो हमको अब कब सीखते हैं। बात यह है कि हमें इन लड़कों को बड़ी सख्त ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ट्रेनिंग के अलावा कुछ नहीं। बात यह है कि ये गेम इतना आसान नहीं है जितना कि अगर हमारे ये समझे हुए लड़के ये वन डे क्रिकेट इतनी आसान है नहीं, ये सबसे मुश्किल खेल है। टेस्ट क्रिकेट में फिर भी ये होता है कि आपको आराम और सुकून मिल जाता है, लेकिन ओडीआई वगैरह में तो बड़ा ये हार्ड वर्क है और उसके लिए आपको बहुत फिट और बहुत सही बॉलर होता है और बैट्समैन और फील्डिंग। ठीक है ज़हीर बासब, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम कल की शिकस्त से कुछ सबक सीखेगी या मामला उसी तरह चलते रहेंगे? देखिए बात यह है कि अगर हम सबक अगर नहीं सीखेंगे तो हम हारते रहेंगे और अगर हम सबक सीखेंगे तो कुछ अच्छा कर देंगे। अच्छा ज़हीर साहब, अगर कप्तान चेंज कर दिया जाए, क्योंकि कयादत बड़ा रोल प्ले करती है, मिसबा की हमने कयादत के अंदर देखा किस तरीके से टेस्ट मैचेस के अंदर हम लोगों को फिर भी बेहतर कारकर्दगी नजर आई, कप्तान के चेंज करने की बात क्यों नहीं सामने आती? बात यह है कि आप कप्तान चेंज करोगे तो कप्तान तो वही खेलेगा ना, टीम के अंदर तो वही खेलेगा, सारे लड़के वही होंगे, यंग आपका कप्तान है तो बेहतर है उसको सीखने दें, बजाय इसके कि एक लड़के की अगर परफॉर्मेंस जो है वो टेस्ट क्रिकेट में तो खैर अच्छी रही हो, लेकिन ओडीआई में अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो थ्रू आउट हमारी कई सालों से अच्छी नहीं चल रही। हमको अब ख्याल आ रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हम नंबर 9 है ओडीआई में, तो हम तो शुरू से ही हमने इस चीज़ को सोचा नहीं। अगर हम पहले से इस चीज़ को सोच लेते तो ये आज हमारी हालत नहीं होती और हम नंबर 9 नहीं होते। अच्छा ज़हीर साहब, जाते जाते लास्ट क्वेश्चन को एक आंसर दे दीजिएगा, डू यू थिंक कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे इस सिचुएशन में? देखिए जी, बीइंग ए क्रिकेटर मैं तो ये चाहता हूँ कि हमें क्वालिफाई करना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है। हर चीज हासिल करने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ता है और हार्डवर्क के बगैर आपको कोई चीज नहीं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब। आपने हम देखते हैं कि ओलंपिक्स में हमारी कारकर्दगी क्या रहती है, यूथ फेस्टिवल के जो है स्कैंडल्स नए नए सामने आ जाते हैं। नजम सेठी साहब एक सहाफ़ी माने जाते हैं, एक बाकी चीज़ों के अंदर उनकी शख्सियत मानी जाती है, क्रिकेट की बागदौड़ अगर ऐसे लोगों को दे दी जाए जिस तरीके से हमने ओलंपिक्स में भी देखा उस तरीके से ट्रेनिंग नहीं हो पाई, फिर हम समझ सकते हैं कि कोई इदारा आगे बढ़ पाएगा, कारकर्दगी अच्छी हो पाएगी? देखिए शख्सियत के हवाले से तो मैं बात नहीं करता कि कौन सा शख्स किसी भी इदारे के लिए मौजू है, ये उस वो शख्स जिसको के ये ओहदा दिया जा रहा है ये उस पर इन्हज़ार है और हुकूमत पर है और जिस उसका कोई एक तरीक़ाकार होना चाहिए कि कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं कौन से लोग एलिजिबल नहीं हैं, ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर ओलंपिक्स को देखें या क्रिकेट को देखें तो फिर मुल्क के हालात को देखें कि मुल्क में अगर दहशतगर्द आके एक गैर मुल्की टीम पर हमला करते हैं और हमला करने में कामयाब हो जाते हैं और अपने एक बहुत बड़े मकसद में कामयाब हो जाते हैं कि पाकिस्तानी कौम और मुल्क और खेल और नौजवानों और उनके मुस्तकबिल को उन्होंने इतना बड़ा नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है तो हमारा फोकस उन पर होना चाहिए, उन पर ऊपर तो बात हम नहीं करते कि कुछ दहशतगर्द जो उनसे वाबस्ता थे वो मारे जा चुके हैं और कुछ लोग अभी जमानतें लेके फिरते हैं, वो तंजीमें मौजूद हैं, तो वो कमेटियां, वो सियासतदान, वो सियासी जमातें बजाय इसके कि उनको गले लगाएं मुआशरे में बताएं कि ये घनौने चेहरे कौन से हैं जिन्होंने नुकसान पहुंचाया। और आखिर में ये बात मैं कहूँगा कि आपने स्पोर्ट्स के लिए एक संजीदा पॉलिसी बनाए जो ज़िला की सतह पर हो, यूनियन कौंसिल की सतह पर हो, यूनिवर्सिटियों में हो, कॉलेज में हो, स्कूलों में हो, वो हम कर नहीं रहे तो फिर अगर हमारा जो एक जो ज़राए हैं जिससे कि खिलाड़ी पैदा होते हैं उसके ऊपर हम अगर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर हम एक छोटा सा पूल रह जाएगा खिलाड़ियों का और उससे फिर हम दुनिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। जी ठीक है, दुनिया के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक ब्रीफ कमेंट देना चाह रहा हूँ, 10 ओवर में 110 रन दिए वहाब रियाज ने, कोई विकेट नहीं ली और हमारे कप्तान कहते हैं कि हम इतना भी बुरा नहीं खेले। ठीक है, इतना भी बुरा नहीं खेले तो हम लोगों ने थाली में किस तरीके से उठा कर क्रिकेट का पूरा मैच उनको दे दिया, 444 रन उन्होंने
बनाया, रिकॉर्ड कायम कर लिया, लेकिन हम लोगों ने भी रिकॉर्ड कायम कर लिया काफी अच्छे तरीके से लूज करने का। और ये रिकॉर्ड तो हम कायम कर रहे हैं आजकल, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को कारकर्दगी की फिक्र नहीं, पैसा हमारे पास वैसे ही आ रहा है, और एट द सेम टाइम कोई चेक्स एंड बैलेंसेज नहीं है। जब चेक्स एंड बैलेंसेज नहीं होंगे तो फिर इसी तरह होगा। हमारे आज के शो से इतना ही, हमें फीडबैक दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिए। अल्लाह हाफिज़।